समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ खुले मन मस्तिष्क से, अपने विवेक को खोल करके, मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे प्रोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे लोग, बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है। है कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम से तुम लोग कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है, समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुमने अनेकों ऑफर भेजी संतराल में कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को चुनौती देता हूं। खानदान का तात्पर्य मैं किसी के माता पिता पे नहीं जाता हूं, बहुत से ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा वह खानदान जो जिसको तुम किसी को छोटा भाई मानते हो, किसी को बड़ा भाई मानते हो, जो इसी तरह झाड़ फूंक के कार्य कर रहे हैं, तुम कह रहे हो मेरे पचासों पीठें चल रही हैं जो इसी तरह झाड़ फूंक करते हैं, उन समस्त त्रिकालदर्शियों को एक साथ चुनौती देता हूं। उतने ही नहीं, देश में जितने अधर्मी अन्यायी हों, जितने लोगों का शोषण कर रहे हो, एक साथ सब मिलकर के आ जाओ। क्षमता है तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति का सामना करो, जो बिगाड़ सकते हो। समाज के अंदर तुम भय पैदा करते हो कि ये तंग करके दुश्मन 5 दिन ऐसा कर दो, दुश्मन 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। इसी से भयभीत हो जाती आम जनता कि उनसे तुम लाखों लाख रुपए अपने हाथ लूटते हो और जब बेचारे विरोध करना चाहते हो तो उनको भय हो जाता है कहीं भूत न लगा दिया जाए। इस चीज का बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वह ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज नहीं उठाता। मगर जो समाज से जुड़े हो, जिनके विचारों को लाखों लाख लोग देखते हैं, देवकी नंदन ठाकुर से भी गलती हुई और ये लोग इसी को ताक करके बैठे रहते हैं कि एक कोई कमी गलती करे वो अपने फायदे के लिए उसको उठा करके विज्ञापन के रूप में समाज में प्रचारित करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर से उनकी अनेकों बातें हुई होंगी, मगर देवकी नंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और यह कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया। इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिसे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं चुट सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ, कोई झाड़ फूंक के लिए भी आता है तो बैठा लो मंदिरों में, उनको सही रास्ता दिखाओ। यहां भी लोग आते हैं मगर यहां झाड़ फूंक नहीं की जाती उनको, और शांत कराया जाता है, न उनको उद्वेलित किया जाता है। किसी एक स्थान पर अनपढ़ व्यक्ति को भी बता दो, वो कहते ढोल नगाड़े बजाए, झुनझुना बजाए, फूंक मारने का प्रयास करें, सैकड़ों लोग चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे, जो मानसिक रूप से कमजोर होंगे या भूत प्रेत से प्रभावित होंगे। तुम ऐसे मानसिक लोगों को शोषण कर रहे हो, महीनों महीनों अपने यहां घसीटते हो, बुलाते हो, 5-5 अमावस्याएं करें आकर के हर चीज में। तुम कह रहे हो हमारे यहां यज्ञ चल रहा है, अरे यज्ञ किस प्रकार का होता है इसकी तुमको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तुम एक एक दिन में सैकड़ों लोगों से पैसा लेते हो, उनसे यज्ञ कराने के नाम पे, रामायण पाठ कराने के लिए 3-3 रामायण के एक व्यक्ति को बैठा दिया अपने यहां, रामायण पाठ चल रहा है, उस एक रामायण के पाठ के लिए सैकड़ों लोगों के एक साथ पैसा वसूल कर लो, यज्ञ के नाम पे सैकड़ों लोगों का पैसा वसूल कर लो, एक नहीं सैकड़ों लोगों की व्यथाएं यहां रखी हुई है। और तुम जितना चाहोगे भक्ति मानव कल्याण संगठन को इतना कम करके मत आंक लेना, भक्ति मानव कल्याण संगठन देश के कोने कोने में आवाज पहुंचाएगा। अगर तुम गलती नहीं मानोगे, अगर तुम सुधार नहीं कर सकोगे, सुधार कर लोगे, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं, व्यक्तिगत रंजिश तो भूतल पर मेरी किसी से नहीं है, मगर हर व्यक्ति से विरोध है जो कहीं ना कहीं अनित अन्याय अधर्म करता है। और मुझे किसी से शत्रुता करके किसी को पत्थर मारने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जैसे लोग कितने अहंकारी हो कि कितने बार कह चुके हो जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा, कहां उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तुम किस प्रकार के बजरंग बली के अपने आप को साधक कहते हो, भक्त कहते हो? धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम नारी के सम्मान का तुमने ख्याल नहीं किया। तुम मेरे माता पिता तक पहले पहुंचते रहे, तुम मेरे माता पिता के को क्या समझ सकोगे जिनका पूरा जीवन ऋषि का रहा है, कर्म पथ का पालन करने के बाद अंतिम समय पर उन्होंने दंड संन्यास धारण किया और एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कभी भी अपना कोई स्थान नहीं बनाया। और मैंने जो पहले कहा था अंतिम समय पर आकर के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।